बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोग अपने एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ सेशन 2024 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम एक एमसीक्यूज के फॉर्म में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सी जगहों पर इंग्लिश के बहुत से टॉपिक्स में आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। एंड स्पेशली आप लोग की अगर क्रिएटिव राइटिंग की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलें बच्चे, स्टार्ट करते हैं। जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कुछ यू है, द सूप ब्लैंक गुड। जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो कुछ हैं, ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी इज टेस्टिंग, ऑप्शन सी वाज टेस्टिंग, ऑप्शन डी टेस्ट। जी बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को पॉज करना है, खुद से करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, एंड देन आपने वीडियो को स्टार्ट करके चेक करना है कि आपने करेक्ट किया या गलत किया। ओके बच्चों, अगर आप गौर करें तो आप लोगों को सेंटेंस के अंदर एक चीज़ नज़र आएगी क्वेश्चन स्टेटमेंट में, कि द सूप हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब कभी भी हमें एक सिंगुलर सब्जेक्ट दिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वर्ब भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, और अगर टेस्ट को हम देखें तो ये भी सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट ही लेता है। तो अब इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है और हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, ये आज का बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसके गिर्द घूमता है। तो बच्चों, हमने कुछ वर्ब्स सीखनी है आज, ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लगाई जाती। क्यों? जब हम किसी वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्शन वर्ब्स नहीं होती, वो एक्शन वर्ब्स नहीं होती। वो कौन सी वर्ब्स हो जाती हैं जिनके साथ हम लोग नहीं लगाते आईएनजी? वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो स्टेट को शो करती हैं। वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स। और स्टेटिव वर्ब्स जैसे नाम से ही जाहिर है कि वो हमारी स्टेट को, कंडीशंस को, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करती है। सो दैट्स व्हाई उनके साथ हम लोग अपनी एक्शन वर्ब्स की तरह कंटिन्यूटी शो नहीं करते आईएनजी लगाकर। ठीक है। अब बच्चों, इंग्लिश में तो बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं, 30 से 40 हैं, तो उनको आप याद कैसे करेंगे, उनको जहन में कैसे रखेंगे, ये तो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हमें मसले को सॉल्व करना है। ठीक है। हम इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे? हम अपनी वो तमाम वर्ड्स जिनको हमें स्टेटिव फॉर्म में यूज़ करना है, हमें एक्शन फॉर्म में यूज़ नहीं करना, एक स्टोरी के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है। आप लोगों ने गौर से सुनना है, इंशाल्लाह ताला ये जब आप स्टोरी सुन लोगे तो आप लोग को ये सारे वर्ब्स याद हो जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारी स्टोरी का नाम है वो है मेरी और तुम्हारी कहानी। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम स्टोरी का नाम लिख लेते हैं मेरी और तुम्हारी कहानी। अब बात याद रखिएगा कि हमारी स्टोरी फिक्शनल है। ठीक है। ना ही इसमें मैं शामिल हूँ, ना ही इसमें मेरे साथ कोई और शामिल है, बट हम एक फिक्शनल स्टोरी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देख लेना है हमारे पास दो करेक्टर्स हैं स्टोरी में, एक है अली, ठीक है, और एक कोई भी गर्ल है। ठीक है। एक कोई भी गर्ल है और एक अली है। अब होता क्या है कि अली जो होता है और ये जो लड़की होती है, ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक दिन अली मतलब क्लास फेलो होती है इसकी, एक दिन अली इसको सी करता है। सी का मतलब क्या? रैंडम सी एक नज़र लगती है अली की इस लड़की पर। ठीक है। तो अली को थोड़ा अच्छा लगता है, अली इसको गौर से देखता है, दोबारा देखता है, दोबारा देखने के बाद उसको नोटिस करता है कि हाँ, इसकी ड्रेसिंग बड़ी प्यारी है, इसके तो जूते भी बहुत प्यारे हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली एक क्लास में पढ़ते हैं तो आवाज़ सुन लेता है। जब आवाज़ सुन लेता है तो बस अली तो बेचारा अपने जहन में इसके बारे में थिंक एंड थिंक एंड थिंक सोचना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। अली ने सी किया, बस उसने फिर डीपली थोड़ा लुक किया उसकी तरफ, नोटिस करना शुरू किया कि वो क्या पहन कर आती है, कैसे चलती है, ऐसे ये सारा कुछ। ठीक है। जब उसने उसकी आवाज़ सुन ली तो बस उसके तो दिमाग उसके बारे में ही सोचना शुरू हो गया। तो सी, लुक, नोटिस, हेयर, थिंक, माइंड, याद हो गए ना। अली ने लड़की को देखा, थोड़ा ज़्यादा देखा, नोटिस करना शुरू किया, जब आवाज़ सुनी तो बस उसका दिमाग तो उसके सोचों में गुम हो गया। अब हुआ क्या
कि अली को वो पसंद आना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता जब पसंद से बात बढ़ने लगी तो अली को उससे प्यार हो गया। ठीक है, अडोर भी इन द सेंस ऑफ प्यार ही लिखा जाता है, लव लिखा जाता है। आई अडोर यू का मतलब यही होता है, आई लव यू। ठीक है, तो बस अली तो उसके पीछे पागल हो गया प्यार में। ठीक है, अब अली को जब उससे प्यार हो गया तो अली उसकी विश करने लगा, अली चाहने लगा, अली उसके लिए एक डिजायर रखने लगा कि बस ये मुझे, मतलब ये लड़की अब चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, विश वांट एंड डिजायर, अली उसको पसंद करने लगा। एंड आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदगी से प्यार में बात बदल गई और अली की विश बन गई, वांट बन गई, डिजायर बन गई वो लड़की। अब क्या हुआ बच्चों हमारी कहानी में कि अली आहिस्ता आहिस्ता जब उसको प्यार करने लगा तो अली ने कहा कि उससे मुझे मतलब मिलना चाहिए, उसको आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में भी पता चलना चाहिए। तो अली ने क्या किया, एक लंच प्लान किया, एक लंच प्लान किया। ठीक है, अब इस उसकी बर्थडे थी अली की, तो उसने लंच प्लान किया और अपने फ्रेंड्स को बुलाया। ठीक है, जब फ्रेंड्स को बुलाया तो उसमें उस लड़की, वो लड़की भी क्लास फेलो थी, वो भी आ गई। अली ने क्या किया कि अली ने ना मतलब सारी प्रेफरेंस ध्यान की, मतलब जितना भी केयर वगैरह था तमाम गेस्ट में से हटकर लड़की को ज़्यादा देना शुरू किया। उसके पास जाता कि देखो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज़ आप इसको टेस्ट करें, प्लीज़ आप ये टेस्ट करें, प्लीज़ आप ये टेस्ट करें। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अली ने बहुत खर्चा किया बर्थडे पार्टी पर, ठीक है, जस्ट टू इम्प्रेस दिस गर्ल, उस लड़की को इम्प्रेस करने के खातिर अली ने बहुत खर्चा किया पार्टी पर। ठीक है, खुद पर भी खर्चा किया, अच्छे कपड़े लिए, सारा कुछ उसका ख्याल रखता रहा। ठीक हो गया, अब इस खर्चे का फायदा क्या हुआ उसको कि एक रिकग्नाइजेशन मिल गई अली को उस लड़की से। ठीक है, अली ये सोचने लगा कि उस लड़की के जहन में ये बात जरूर आएगी कि मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मतलब इतना ध्यान रख रहा है, इतनी केयर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या हुआ, अली ने लंच पार्टी मतलब अपनी बर्थडे पर लंच किया। ठीक है, उसमें उसने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसने उस लड़की को दी। ठीक है, बार बार उसके पास जाता, कहता कि देखो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज़ आप इसको टेस्ट करें, प्लीज़ आप इसको टेस्ट करें। उसने बहुत खर्चा किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकग्नाइजेशन कि वो लड़की उसको, उस लड़की से उसकी जान पहचान हो जाए और ये सारा कुछ। ठीक है बच्चों, अब स्टोरी की बड़ी मज़े वाली बात आने लगी है। ठीक है, अली जब शाम हुई, पार्टी वगैरह ख़त्म हुई, लंच से फारिग होकर घर आया तो अली सोचता है, अली को ना ऐसे यकीन होने लगा, ट्रस्ट होने लगा, जैसे बस वो लड़की तो मान जाएगी, बस वो तो मेरी दोस्त बन जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बस करीब है, क्योंकि आज तो वो बहुत इम्प्रेस हो गई होगी। ठीक है, ये जो बिलीव, ट्रस्ट, एग्री, ये जो वो सोच रहा है ना कि वो मेरी दोस्त बन जाएगी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ये जस्ट एंड जस्ट अली की इमेजिनेशन और सपोज है। ठीक है, और सिर्फ ये चीज़ें खुद से सपोज करे और इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब मैंने इतना खर्चा किया, उसका इतना ख्याल रखा, इतना केयर किया, तो ऑब्वियसली वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी जब मैं उसे दोस्ती की ऑफर करूंगा। ठीक हो गया, यानी बिलीव, ट्रस्ट एंड एग्री, वो इन बातों पर यकीन करने लगा, उसको यकीन था, वो बिलीव करने लगा, वो इस बात पर मुतमईन था, एग्री था कि वो बन जाएगी उसकी दोस्त, लेकिन ये सब बातें उसकी इमेजिनेशन थी। अब हुआ क्या बच्चों कि जब उसने सुबह आकर यूनिवर्सिटी में टाइम उसको मिला, उसने लड़की से कहा कि विल यू बी माई फ्रेंड। ठीक है, तो लड़की ने क्या किया जी, लड़की को तो आया गुस्सा, लड़की ने किया रिफ्यूज़। ठीक है, मना कर दिया उसने, उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, मुझे दोस्ती की पेशकश कर रही हो। ठीक है, अब अली को लगा, यानी लड़की को लगा कि ये कितना मीन है, मतलब ये अली कितना मीन है, इसने मुझे पार्टी पर बुलाया, मेरा इतना ख्याल रखा, ठीक है, मतलब आगे पीछे मेरे घूम रहा था, तो इसकी ये मीननेस थी कि इसका ये पीछे जो था ना इरादा था। ठीक हो गया, अब उसको चढ़ा गुस्सा लड़की को, अली पर इंतहाई गुस्सा आया उसे, उसने अली को कहा तुमने अपनी शक्ल देखी है, ठीक है, सीम, मतलब तुम दिखते कैसे हो, तुमने कभी ये देखा है, तुम रखते मतलब ताल्लुक किधर से रखते हो, ये तुम्हें पता है, तुम्हारे पास है क्या, ठीक हैव से वो कहते हैं, तुम्हारे पास है क्या, तुम रखते क्या हो, लाइक जैसे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, तुम्हारे पास है कुछ होन का अपना। ठीक है, अब लड़की को चढ़ा है गुस्सा, तो ये प्यारे प्यारे अल्फाज लड़की गुस्से में बोल रही है कि तुम दिखते कैसे हो, तुम ताल्लुक कहाँ से रखते हो, मतलब बिलोंग कहाँ से करते हो, तुम है तुम्हारे पास क्या, ठीक है, अपना क्या है तुम्हारे पास। ठीक हो गया, जब ये बातें सुनता है अली बेचारा, ठीक है, अली बेचारा जब ये बातें सुनता है तो अली को हो जाती है, जैसे अली कहता है बस मुझे तो नफरत हो गई है इस लड़की से, अबोर भी इन द सेंस ऑफ डिस हेट या डिसलाइक या हेट की सेंस में यूज होता है। ठीक है,
अली को जाता है उस लड़की से, डिसलाइक, अबोर, हेट, ठीक है। मतलब अली कहता है बस मुझे तो इस लड़की से नफरत हो गई है, इसको तो मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। मतलब ये क्या मैं इससे इजहार कर रही हूँ, ये आगे से ऐसे पेश कर रही है, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, अली बेचारे पर इस सब का हो जाता है इफेक्ट बहुत बुरा, ठीक है, इफेक्ट बहुत बुरा हो जाता है अली पर। एंड अली बेचारा दिन रात रिमेम्बरिंग उस लड़की को याद करता रहता है। कुछ तो उसे उसके उससे मोहब्बत भी थी, लेकिन कुछ जो उसने उसके अल्फाज कहे, उसका दिल तोड़ा, मतलब उसने उसे इतना मीन कहा, इतना कहा कि तुम दिखते कैसे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो जब कभी भी वो किसी लड़की को देखता, ठीक है, तो बस उसे रिजेम्बलेंस याद आ जाती उस लड़की की, ठीक है, रिजेम्बल अपेयर, वो लड़की उसके सामने अपेयर हो जाती और दोबारा से उसका दिल टूट जाता कि वो किसी और पर यकीन और एतबार करना ही नहीं चाहता था। सो बच्चों ये वाले सारे वर्ड्स जो हम, और इस तरीके से फिर हमारी जो मेरी और तुम्हारी कहानी की स्टोरी थी वो अहतमाम पर पहुंचती है, और इस तरीके से आप लोग को ये वर्ड्स याद करने हैं। अब बच्चों अगर आप गौर से देखो ना, तो ये आप वर्ड्स आप लोग के लिए बहुत आसान हो गए होंगे। आप देखें, अली ने लड़की को देखा, गौर से देखा, नोटिस किया, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनी तो बस उसके सोचों में गुम हो गया, उसको पसंद आ गई, वो प्यार में वो आ गया उसके, और वो विश करने लगा, यानी डिज़ायर करने लगा, वांट करने लगा उस लड़की को, ठीक है। हुआ क्या, उसने एक लंच पार्टी अपने बर्थडे पर ऑर्गेनाइज़ की, लड़की को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस थी, बार बार उससे पूछता था कि प्लीज़ ये ट्राई करो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ठीक है। इतना खर्चा उसने जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन किया कि लड़की से मेरी जान पहचान हो जाए, लड़की मुझे पहचान ले, ठीक है। अब अली को होने लगा यकीन, ट्रस्ट होने लगा, वो इस बात पर पूरी तरह एग्री था कि बस ये तो मेरी दोस्त बन ही जाएगी, अब मुझसे इम्प्रेस तो हो गई है ये बस। बट लेकिन वो उसकी इमेजिनेशन और सपोज कर रहा था, वो ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं था। जब लड़की से बात की, दोस्ती की, तो अली को मिला रिफ्यूज़, इनकार मिला, और लड़की ने अली की बहुत अच्छी बेइज्जती की, ठीक है, मीन कहा, उसे कहा तुम बहुत बुरे दिखते हो, तुम चाहते क्या हो, मतलब तुम दिखते क्या हो, तुम हो कौन, तुम्हारे पास है क्या, अपना क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। बस अली को हो गई लड़कियों से नफरत, ये बातें सुनकर उसको उस लड़की से नफरत हो गई, ठीक है। और उसने कहा कि बस लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, और जब से उस पर बहुत बुरा असर हुआ, वो उसकी उसको याद भी करता है इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, के मैं उससे प्यार करता था लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और इस तरीके से उस लड़की की परछाई उसे हर लड़कियों में आने लगी, ठीक है, हर जगह उसे ऐसे ही लगता रहा कि सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। सो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग को ये सारे वर्ड्स जो मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम ING नहीं लगाते, इनके साथ हम कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनको हम एक्शन वर्ब्स की तरह कंटिन्यूस में शो नहीं करते, ठीक हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन था ना, उसमें ये जो टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट भी हमारा बेसिकली एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ये इज स्टेटिंग और वॉज स्टेटिंग वाला तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ये तो हमारे बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शंस है, जबकि टेस्ट प्लूरल है और हमारा सूप सिंगुलर है। तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है, टेस्ट्स, ठीक है, द सूप टेस्ट गुड। ये हमारा नम्स का पास्ट पेपर का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक हो गया बच्चों। लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास आ जाती हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं कि हमारे पास इन्हीं वर्ब्स में से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी कभी ING लेती भी हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है, मतलब वो जहाँ हम फिर यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो उन मीनिंग्स में डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, ये हैं वो कुछ वर्ड्स जो हमारे साथ कभी कभी क्या करती हैं, ING फॉर्म लेती हैं, ठीक है। इनमें शामिल है फील, सी, स्मेल, अपेयर, हेयर एंड लुक, ठीक है। अब ये जब कभी भी ING फॉर्म लेंगे तो इनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाएगा, आप इनको देखेंगे कि ये इन द फॉर्म ऑफ एक्शन यूज हो रहे हैं, ठीक है, और इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है इंस्टेड ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। देखें, आई एम सीइंग अ मूवी टुनाइट, इसका मतलब क्या है कि राइट नाउ मैं एक टेम्प्रेरी एक्शन में बिजी हूँ, और वो क्या है कि मैं मूवी देख रही हूँ, ठीक है, मैं मूवी देख रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको इन द सेंस ऑफ सीइंग अ मूवी, यहाँ पे इस सेंस में लिया है कि बिजी है, यानी इन द वॉचिंग अ मूवी में, ठीक है। आई एम स्मेलिंग समथिंग डिलीशियस, मतलब मैं कुछ महसूस कर रही हूँ, यानी सूंघ रही हूँ बहुत ही मज़ेदार। अब इसको भी अगर आप देखें तो मतलब ये भी इस सेंस में आ रहा है। शी इज़ अपेयरिंग ऑन द स्टेज राइट नाउ, अब यहाँ पे अपेयरिंग का सेंस क्या है कि मतलब जाहिर होना, विजिबल होना, ठीक है,
वाई आर यू लुकिंग एट मी। अब लुकिंग एट को अगर आप देखें तो ये इसके साथ प्रेपोजिशन लग जाता है, ठीक है, मीनिंग बिल्कुल। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ पर आई एन जी फॉर्म आनी है। आई एम हेयरिंग अ स्ट्रेंज म्यूजिक, यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि एज अ टेम्प्रेरी एक एक्शन हो रहा है, वो हेयरिंग के सेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है। जब हम लोग कोर्ट हेयरिंग कहते हैं तब भी हम हेयरिंग के साथ आई एन जी लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं, इन केसेस में क्या होता है कि हमारा ये जो वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ब्स हैं, ये हम आईएनजी के साथ यूज़ कर लेते हैं। बाकी ये जो हमने ऊपर सारी स्टोरी की फॉर्म में लिस्ट पढ़ी है, ये हमारे ऐसे वर्ब्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना कि इनके साथ आईएनजी यूज़ नहीं होता। ये हमारी स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये कंडीशन, स्टेट्स, मूड इनको शो करती हैं, ठीक है बच्चों। सो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को कहानी की फॉर्म में ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये एक फिक्शनल स्टोरी थी, ठीक है, तो हमने बस इसको ये नाम दिया मेरी और तुम्हारी कहानी का, और हमने इसको कहानी के फॉर्म में पढ़ लिया। जी बच्चों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड यस यस, मुझे याद आया, हम लोगों ने अपना ग्राम लॉजिक FB पेज बनाया है, जहाँ पे हम डेली 3 MCQ शेयर करते हैं। हमारी टीम बहुत एक्टिव है FB पर, तो प्लीज़ आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग FB पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर हम लोग MCQs डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको हर तरह से जहाँ कहीं भी हम लोग MCQs डिस्कस करें वहाँ का रीच मिल सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।